हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया स्लोली किचन। आज हम बनाएंगे कुलित की उसल। कुलित बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो चलो कुलित की उसल बनाना स्टार्ट करते हैं। कुलित की उसल बनाने के लिए हमें चाहिए अंकुरित कुलित। इधर मैंने अंकुरित कुलित लिया है, एक टमाटो कटा हुआ, एक कटा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट, ज़ीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के लिए नमक, करी पत्ते और कटा हुआ हरा धनिया और तेल। तो चलो कुलित की उसल बनाना स्टार्ट करते हैं। कुलित की उसल बनाने के लिए कुलित को हम पहले प्रेशर कुकर में पकाएंगे, ताकि प्रेशर कुकर में कुलित अच्छी तरह से पक जाते हैं। आप पैन में भी पका सकते हो, लेकिन पैन में पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं पहले प्रेशर कुकर में पकाऊँगी। कुलित को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और इसमें लगभग एक कप पानी डालेंगे और थोड़ा टेस्ट के लिए हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ा नमक। प्रेशर कुकर को बंद करके 3 सीटी निकालने तक पकाएंगे। देखो मैंने गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रखा है, अब हम इन कुलित को 3 सीटी आने तक पकाएंगे। देखो 3 सीटी निकल चुकी है, प्रेशर कुकर को ठंडा होने देते हैं। देखो इसी तरह से कुलित पक के तैयार है और प्रेशर कुकर अच्छी तरह से ठंडा भी हुआ है, पूरी भाप ख़त्म हुई है। चलो इन कुकर को ओपन करते हैं। देखो इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से एक कुलित पक के तैयार है। देखो कितनी अच्छी तरह से एक कुलित पक गए हैं। अब हम इन कुलित की उसल बनाएंगे। गैस के ऊपर मैंने एक पैन चढ़ाया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हुआ है, इसमें ज़ीरा डाल देते हैं, करी पत्ता डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखो इसी तरह से प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। अदरक और लहसुन की पेस्ट को भी अच्छी तरह से भूनेंगे, अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल ख़त्म होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, मिक्स करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, चाहे तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो, मैंने हल्दी नहीं डाली है। पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर 2 मिनट पकाएंगे, ताकि टमाटो और प्याज अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखो 2 मिनट हुआ है, देखो इसी तरह से टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, स्मैश करेंगे हल्का सा और मिक्स करेंगे। देखो कितनी अच्छी तरह से ये मसाला बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कुलित, पके हुए कुलित डाल देते हैं। कुलित को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और टेस्ट के लिए नमक, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर से पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर 2 मिनट पकाएंगे।
देखो इसी तरह से एक कुलित की उसल बन के तैयार है। इसी तरह से 1 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। देखो इसी तरह से एक कुलित की उसल बन के तैयार है। चलो इन कुलित की उसल को मैं एक बाउल में सर्व करती हूँ। देखो कितनी अच्छी तरह से टेस्टी एक कुलित की उसल बन के तैयार है। कुलित की उसल आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, भाकरी के साथ भी खा सकते हो। तो चलो आप भी ज़रूर इसी तरह से कुलित की उसल बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगा। मेरी ये आज की कुलित की उसल की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन से, डाउट्स से तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, इन्जॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।